तो फाइनली ये देखिए स्वादिष्ट देसी चना और आलू की सब्जी बन के तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे देसी चना और आलू की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए हमने 150 ग्राम चना लिया, उसे रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसे बॉईल कर लिया हमने। ये देखिए हमारा चना किस प्रकार से अच्छे से पक चुका है बॉईल करने के बाद। और हमने दो मीडियम साइज़ की आलू लिया है, तो एक को हमने छोटे छोटे साइज़ में काटा है और एक को हमने बिल्कुल मैश कर दिया है ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बन सके, क्योंकि हम इसमें प्याज को बारीक बारीक काट के दिया है, इसका प्योरे प्याज का नहीं बना के दिया है। तो ये देखिए हमारा आलू इस प्रकार के शेप में हमने काटा है एक आलू को, और एक को हम मैश कर लेंगे। और इसमें दो हरी मिर्च हमने लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, आप चाहे तो उसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसमें हम तेल डालेंगे और फिर आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हम जीरा डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च जो कि हमने एक मिर्च को दो टुकड़ों में काटा है बीच से, और उसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने छोटे छोटे पीसों में काटा है, तो आपको जैसा शेप पसंद हो, लेकिन इस प्रकार के शेप में बनाएंगे तो हमारी सब्जी थोड़ी ग्रेवी इसमें बन जाएगी। तो ये प्याज को हम बिल्कुल धीरे धीरे से भुनेंगे। और बिल्कुल लो और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये हमारा प्याज भुन चुका है, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक हमने आधी इंच और लहसुन 6 से 7 कलियाँ लिया है और उसका पेस्ट बना के हमने यहाँ पे डाला है। और इन सबको अच्छे से भुनेंगे, बिल्कुल 2 मिनट तक इसे भुनेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट भी भुन चुका है, ये देखिए, और हमारा प्याज भी अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसे मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाले डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। थोड़ी सी पानी और ऐड करेंगे हम। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें। मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और मसाला अच्छे से तभी भूनता है जब हमारा इसे तेल निकलने लगता है मसाले से। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है और ये पैन को छोड़ रहा है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने मैश करके रखा था। मैश करके आलू डालने से इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, तो आप भी इस प्रकार से मैश करके डालें सब्जी में। तो ये देखिए हमारा आलू का मैश किया हुआ अच्छे से मिल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए देसी चना। फ्रेंड्स, देसी चना को लोग काला चना के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे काला चना भी बोल सकते हैं। तो चना डाल के हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी पानी और ऐड करेंगे हम, क्योंकि थोड़ी पानी कम लग रही है, क्योंकि इसे हमें भी इसे ढकते थोड़ी सी पकाएंगे। तो अब हम इसमें कटा हुआ आलू ऐड करेंगे जो हमने एक आलू को छोटे छोटे साइजों में काटा है। आपको आलू जैसा पसंद हो साइज
वैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसे। तो ये देखिए हमने मिला दिया है, अब हम इसे ढक के लगभग 3 मिनट तक पकाएंगे, 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से सेपरेट हो गया है, अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसे चला लेंगे, देख लेंगे इसकी ग्रेवी कैसी है। तो आपको जैसी ग्रेवी रखना हो आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं ग्रेवी को। तो ये देखिए हमारा फाइनली देसी चना और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म देसी चना और आलू की सब्ज़ी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।